हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक का। 5, 25 एवं 125 से किसी भी संख्या में गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इसके अलावा और भी ट्रिक सीखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे पहले सीखेंगे 5 से, फिर सीखेंगे 25 से, इसके बाद सीखेंगे 125 से किस प्रकार करते हैं। तो चलो सीखते हैं। तो जैसे हमने एक संख्या ली है 42 गुणे, क्या करना है 5 करना है, 54 गुणे 5, 78 गुणे 5, जी हमने क्या ली है संख्या ली है। चलो एक और ले लेते हैं, कितना 64 गुणे 5। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो देखो इसको कि आप 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10/2 लिख सकते हैं। जब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो चलो सीखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 42 को हाफ यानी आधा करेंगे। तो 42 का आधा कितना होता है 21, और 0 लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 54 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27, और 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 78 का आधा करेंगे तो कितना होता है, 39 होता है, और 0 लगा देंगे। और 64 का आधा कितना होता है, 32, और 0 लगा देते हैं। इस प्रकार आंसर आ गया। अगर जी तो हमने सीखा है सम संख्या, यदि विषम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, चलो उसकी भी एक ट्रिक है। तो सीखते हैं किस प्रकार करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया है 35 में कितना का करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 45 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 37 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, और 47 में क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, जब विषम संख्या से आप किसी भी संख्या में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 5 तो आते ही है लास्ट में, तो क्या लगा देंगे, 5 तो लास्ट में लगा देंगे। आप क्या करेंगे, 35 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। तो 35 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 34, और 34 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यानी 34 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, जी मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट तो 5 में आएगा ही आएगा, और 45 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44, और 44 का आधा कितना होता है, 22। इसी प्रकार 37, 37 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36, और 36 का आधा कितना होता है, 18, और 5 तो लास्ट में आएगा। जैसे 47 है, 47 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 46, और 46 का आधा कितना होता है, 23, और 5। इस प्रकार जी अपने आंसर हो गए हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही सेकंड में आंसर निकालना सीख जाओगे। अब अपन सीखते हैं अगली ट्रिक। यदि लास्ट में 5 हो तो, जैसे हमने संख्या ली है 35 गुणे 35, और 45 गुणे 45, 55 गुणे कितना आ जाएगा, 55, और क्या ली है, 105 गुणे 105, ये संख्या हमने ली है। एक और संख्या ले लो, जैसे कितना, 205 गुणे 205 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, लास्ट में अपन को ये ध्यान कर रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 25 25 याद रख सकते हैं, लास्ट में कितना आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। अब क्या करोगे इसमें, और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर सेम संख्या होना चाहिए,
यहाँ पर जो ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर एक अंक, जैसे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर देंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12। इसी प्रकार यहाँ 4 4 है तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20। इसी प्रकार यहाँ पर 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। यहाँ पर एक करेंगे ऐसे, कितने का करेंगे, 20 और 21 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर कितने मात्र 2 सेकंड में आ गए हैं। अब और अगली ट्रिक सीखते हैं। यदि इकाई अंक का योग कितना हो, 10 हो तो क्या करें। जैसे हमने संख्या ली है 35, गुणे 35 भी ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 36 गुणे 34, और ले लेते हैं 47 गुणे 43, और ले सकते हैं 61 गुणे 69। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिया है 78 गुणे 72। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जे तो 35 गुणे 35 पिछले एग्जाम्पल में सीखे ही था तो इसमें तो कितना आ जाएगा, 25 और 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, और यहाँ पर क्या 2 अंक होना चाहिए, अगर 2 अंक ना आए तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब इसमें फिर भी यही ट्रिक रहेगी, 1 अंक बढ़ाते हैं यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार 7 दिया 21 और 1 अंक बढ़ा लेंगे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 कितना आ जाएगा, 20। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 9 एकम 9, और यहाँ पर देखो 1 अंक है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे और 6 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। जैसे और एक एग्जाम्पल है, जैसे 8 दूनी 16, और यहाँ पर क्या करेंगे, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56। इस प्रकार आप कुछ ही सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। अब सीखते हैं कि अगर 25 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या करें। तो इस ट्रिक में क्या करेंगे अपन, जब 25 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या कर सकते हैं अपन, 100 में 4 का भाग देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया है 36 गुणे 25, 36 गुणे 25 करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे अपन, इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे 4 से। तो देखो 4 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 2 0 लगा देंगे तो जी क्या हो जाएगा, जब 36 और 25 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आंसर आएगा, आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, जैसे लिया है हमने 48 गुणे 25 लिया है तो क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 2 0 लगा देंगे तो जी आंसर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही सेकंडों में आंसर निकालना सीख जाओगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।